हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ द टॉपिक साउंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप ध्यान से फॉलो कीजिए मुझे अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर तो यहां पर मैंने एक टावर बनाया है उसकी हाइट कितनी है फाइव मीटर और टावर के बेस पे उसके बॉटम पर यहां पर उसके सामने एक पॉन्ड है जिसके अंदर वाटर है तो टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां पर एक मैंने स्टोन ड्रॉ किया ये जो रेड डॉट है दिस इज अ स्टोन। तो टावर के टॉप से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है इनटू दिस पॉन्ड ऑफ वॉटर तो यहां पे ड्रॉप वर्ड का मतलब है स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो ड्रॉप करने का मतलब होता है स्टोन को हमने जेंटली रिलीज किया है विदाउट गिविंग इट एनी इनिशियल वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से स्टोन नीचे आएगा एंड इट विल एक्सेलरेट ठीक है यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्स्टेंट होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका मैग्नीट्यूड होता है टेन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो क्या होगा ये जो स्टोन है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा इट विल स्ट्राइक द दर्फेस ऑफ द और जैसे ही पानी सॉरी जो स्टोन है वो पानी में टकराएगा आपको साउंड प्रोड्यूस होगी ठीक है स्प्लैश आएगा जोर से आवाज प्रोड्यूस होगी दैट साउंड वेव विल ट्रेवल बैक इन अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है स्ट्राइक करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होगी और साउंड वेव जब टावर के टॉप पे पहुंचेगी तब हमें वो सुनाई देगी ठीक है यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप पे खड़ा है और उसी ने स्टोन को ड्रॉप किया है तो यहां पे पहले मैंने गैरो नीचे की तरफ दिखाया है दिस इज शोइंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ये जो आपका स्टोन है इसका मोशन नीचे की तरफ होगा और इस मोशन में लगेगा टाइम t1 ठीक है ऊपर से नीचे जाने में कुछ टाइम t1 लगेगा टाइम t1 के बाद यहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी विच विल ट्रेवल बैक टू द टॉप ऑफ द टावर साउंड वेव जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी एंड जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो उसको सुनाई देगी सो पर्सन विल हियर द स्लैश तो नीचे के मोशन में पत्थर के मोशन में टाइम लगा था टी वन फिर स्टोन वहीं रह जाएगा साउंड प्रोड्यूस होगी और उसको वापस ऊपर जाने में टाइम लगेगा टी टू वेन इज द स्लैश हर्ड एट द तो वो साउंड हमें कब सुनाई देगी तो पहले पत्थर नीचे मूव करेगा तब तक तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई है वो टाइम कितना है टी वन और साउंड प्रोड्यूस होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा टी टू तो हमें टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू निकालना है तो सबसे पहले हम इस स्टोन के मोशन को एनालाइज करेंगे क्योंकि ये मैटर है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी सो वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन आई विल यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन चैप्टर में आपने ये तीन इक्वेश पढ़ी हुई हैं आई विल यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर जिसमें एस होता है ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टी इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन एंड ए रिप्रेजेंट द एक्सेलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहां पर ये इक्वेशन लगाने से पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं आई विल टेक ऑल द डाउनवर्ड क्वांटिटीज एज पॉजिटिव तो ऊपर वाली क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएंगी आई विल चूज डाउनवर्ड क्वांटिटीज एज पॉजिटिव क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड सी हो रही है तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन थी टॉप ऑफ द टावर एंड फाइनली ये जो स्टोन है इट्स स्ट्रक द दौ एट द बॉटम ऑफ द टावर तो डिस्प्लेसमेंट हुई है नीचे की तरफ 500

तो यहां से टी वन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं टू जो है ऊपर फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेन नीचे आके डिवाइड करेगा तो यहां से टी वन स्क्वायर की वैल्यू आएगी हंड्रेड कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं विच विल गिव अस गिवेज वैल्यू ऑफ टी वन एस टेन सेकेंड्स तो स्टोन को ऊपर से नीचे पॉन्ड पे स्ट्राइक करने में टेन सेकेंड्स लगेंगे टेन सेकेंड के इस मोमेंट पर साउंड प्रोड्यूस होगी एंड इट विल ट्रेवल इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन अब साउंड जो है वो मैटर नहीं है उसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे नहीं लगाते हैं तो हम साउंड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव इन टाइम ठीक है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन टाइम हम यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा साउंड के द्वारा बॉटम से टॉप तक 500 हंड्रेड मीटर्स और स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में दी हुई थी 340 हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड तो हम यहां पे फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री फोर्टी इन टी टू टी टू क्या है वो टाइम जिसमें साउंड बॉटम से टॉप तक जाएगी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है यहां से टी टू की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड तो क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम निकालना था स्टोन के ड्रॉप करने के बाद जब उसके स्लैश की साउंड सुनाई देगी तो स्टोन के नीचे जाने का टाइम टी वन और फिर प्रोड्यूस साउंड के ऊपर आने का टाइम टी टू दोनों को हम ऐड कर देंगे टी वन की वैल्यू टेन है टी टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर सेवन है विच विल गिव अस द टोटल टाइम एज इलेवन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड्स सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग